बच्चों को विद्या का आरंभ कब करवाना चाहिए, कब पहली बार उनसे जो है पढ़ने लिखने का कार्य शुरू करवाना चाहिए, और उसके लिए हमारे धर्मशास्त्र मुहूर्त बताते हैं स्पेशली कि कब करना चाहिए। और इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो ग्राह्य मास है कौन से महीनों में कराना चाहिए वो पहले बताऊँगा मैं आपको। जैसे कि आप ये ध्यान रखिएगा कि उत्तरायण काल में सूर्य जब उत्तरायण होते हैं 6 महीने में, उन 6 महीनों के अंतर्गत आपको करना है। जैसे कि वो 6 महीने होते हैं 14 जनवरी से लेकर के और 15 जुलाई तक के बीच के जो महीने हैं, इनमें आप कभी भी बच्चों से विद्या का आरंभ करवा सकते हैं। इसमें जो है तिथियां आपको देखनी है, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दसवीं, एकादशी और द्वादशी शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष में ही विद्या यदि अध्ययन करवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें वार आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार बहुत अच्छे रहते हैं बच्चे के लिए, उसकी बुद्धि विद्या के लिए। इसमें नक्षत्र भी आपको देखने हैं, अश्विनी, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुख्या, हस्ता, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा और अभिजीत और श्रवण, रेवती। ये नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों में से कोई भी नक्षत्र उस दिन हो चलेगा, इन तिथियों में से कोई तिथि हो, वार हो। और उसके बाद में आपको लग्न भी उस दिन का देखना है, जिस समय जो है आपको ये ओम नमः सिद्धम लिखवाना है। दोस्तों इसमें जो है लग्न, वृष लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न, ये लग्न आपको सिलेक्ट करने हैं, ये समय के अकॉर्डिंग होते हैं और इन लग्नों में ही जो है विद्या का आरंभ कराना है ये दिन। इसमें एक चीज़ और आपको नोट करनी है, वो ये है कि जिस दिन को आप सिलेक्ट करें उस दिन जो है बच्ची की कुंडली का यानी कि ग्रह गोचर में चंद्रमा और बुध, चंद्रमा और बुध ये दोनों ही जो है अच्छे होने चाहिए, अष्टम में नहीं होने चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और पंचम घर में जो है कोई क्रूर ग्रह नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रख करके इस तरह से समय निकाल करके आपको जो है जो भी दिन आप सिलेक्ट करें उस दिन आपको करना ये है कि माता पिता और बच्चे के साथ में बिल्कुल स्नान इत्यादि करके और उस दिन गणेश अंबिका, सरस्वती माता का और लक्ष्मी नारायण का ब्राह्मण को बुलवा करके विधि विधान से पूजन करवाना है। उसके पश्चात अपने गुरुदेव, पितृ देवता, इनका पूजन करना है, कुल देवता का पूजन करना है, वरुण देवता का पूजन करना है और उसके बाद जो है ब्राह्मण के द्वारा जो है आपको अपने बच्चे का तिलक इत्यादि करवा करके और ब्राह्मण के हाथों से ये संस्कार कराना चाहिए, जिसे अक्षरारंभ संस्कार कहते हैं। और ब्राह्मण जो है एक कॉपी पेंसिल लेकर के उसमें जो है ओम नमः सिद्धम लिखवा करके, बच्चे से ओम नमः सिद्धम लिखवा करके, इसका मतलब ये है कि ओम नमः सिद्धम, ओम तो आपको पता ही है समस्त चराचर जगत ओम में बसा है, नमः प्रणाम करने को कहते हैं और सिद्धम मतलब हमारा ये कार्य सिद्ध हो और बच्चा बुद्धिवान, संस्कारवान और बहुत ही एजुकेटेड पर्सन बने और इसका भविष्य बहुत उज्जवल हो, ऐसी कामना करते हुए ओम नमः सिद्धम लिखवाना है। और उसके पश्चात जो है ब्राह्मणों के द्वारा और स्वयं जो है उपयुक्त जो भी देवता आपने बुलाए हैं उन सभी देवताओं के लिए, समस्त देवताओं के लिए घी से, चरु से आपको जो है हवन सामग्री यज्ञ में डालनी है, यज्ञ पूर्ण करना है, हवन करना है और देवताओं को संतुष्ट करके, ब्राह्मण को संतुष्ट करके जो है ये कार्य पूर्ण करना है और ब्राह्मण को भोजन करवा करके ये कार्य आपका पूर्ण होगा और निश्चित ही आपके बच्चे को बहुत सिद्धियां प्राप्त होंगी। ये था नूतन अक्षर आरंभ, विद्या कब करवानी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। इससे अधिक यदि आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर जो है अपॉइंटमेंट हमारे साथ बात करने के लिए या अक्षर आरंभ के लिए यदि आपको मुहूर्त निकलवाना है, कौन सा दिन सेलेक्ट करवाना है हमारे द्वारा, तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा इन नंबर्स पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।